कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चीन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वहां रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सब कुछ नेचर से जुड़े हैं। चीन प्रकृति से मजबूती से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो वह खुद को नेचर से भी बड़ा मानता है। यह बताने के लिए काफी है कि चीन को शांति पसंद है, वहां सरकार एक कॉरपोरेशन की तरह काम करती है। कर्नाटक में गुरुवार को लोकायुक्त ने भाजपा विधायक मदर विरूपक्षप्पा के बेटे प्रशांत कुमार को 40 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। प्रशांत की गिरफ्तारी विधायक पिता के बेंगलुरु स्थित कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के दफ्तर से हुई। लोकायुक्त को केएसडीएल दफ्तर प्रशांत के घर से 8 करोड़ कैश भी मिला। हरियाणा के अंबाला में यमुना नगर पंचकुला हाईवे पर ट्रेलर ट्रक और बस की टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रक ड्राइवर की नींद लगने के कारण हादसा हुआ। वहीं पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि हम ऐसे दौर में रहे हैं जहां लोगों में सब्र और सहिष्णुता कम है। सोशल मीडिया के दौर में अगर कोई आपकी सोच से सहमत नहीं है तो वह आपको ट्रोल करना शुरू कर देता है। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज जिस रफ्तार से फैलती है उसके चलते सच्चाई विक्टिम बन गई है। RBI ने भारतीयों के विदेश में होने वाले खर्च पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सामने आया है कि 2022-23 के शुरुआती 9 महीनों में ही विदेश में घूमने फिरने के लिए कुल 81,508 करोड़ रुपए भेजे गए। यह राशि 2021-22 के सभी 12 महीनों के मुकाबले 44% ज्यादा है। अहम बात यह है कि ये रकम प्री कोविड स्तर यानी 2019 के मुकाबले भी 107% ज्यादा है।